वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग के हो चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है, 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी, साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्त की तरफ जाएगा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं, लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है, अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। आजादी के बाद पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बहनों को
डिग्निटी मिले, ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले, इसमें स्वनिधि योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सीमित था। आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बहनों को बैंक में बिना गारंटी दिए मदद मिल रही है, मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है। भाजपा इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी। एक तो 50,000 रुपये का कर्ज की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्बों और गांव देहात के भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है, और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है, और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान